भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत ही सक्रिय लीडर हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनका शुभ नाम माननीय श्री मंसूर भाई यादव जी हैं। और मंसूर भाई यादव जी से मैं आपसे अपेक्षा चाहूँगा कि भाई समय दशा न्यूज़ चैनल को के माध्यम से आप देशवासियों को क्या कहना चाहिए। सबसे पहले मैं नेशनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आप चलकर हमारे यहां तक आए हैं और इस शुभ संध्या पर, होली के शुभ संध्या पर हम देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में हमारी पार्टी की जो विजय हुई, उसमें उत्तर भारत के सर्व समाज के लोगों ने जो मतदान किया और भारत के हित में किया, राष्ट्र हित में किया, जात पात से हटकर उन्होंने जो ऊंचाइयां आज देश को दी है, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल के, उत्तराखंड के तमाम मतदारों का, मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही सीनियर लीडर और इस सूरत महानगर पालिका के शासक पक्ष के नेता जी हैं, गिरिजा शंकर मिश्रा जी, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। और मैं इनको चाहूँगा कि समय नेशनल न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये होली के इस पावन पर्व पे सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे। मैं सूरत महानगर पालिका की तरफ से समस्त देशवासियों की इस ऐतिहासिक होली में हार्दिक शुभकामना देता हूँ। उनके जीवन में रंग बिरंगी सुखों का ढेर सारा भगवान उनके जीवन में उन्नति लाएं, वो आगे बढ़ें, उनके परिवार के लोग सभी सुखी रहें। और आज जब पूरा देश केसरिया होली खेल रहा है, ऐसे में मैं समस्त समाज को ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने एक जनादेश दिया है विकास के लिए, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। और निश्चित रूप से 15 साल के बाद उत्तर प्रदेश का विकास का जो क्रम 15 साल से लगातार रुका हुआ था, फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शुरू होगा। और जिस तरह से लोगों ने जातिवाद का जहर बो करके उत्तर प्रदेश को विकास न करने देने तथा कूप मंडूक प्रक्रिया बना करके हमेशा उत्तर प्रदेश को पीछे धकेलने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे थे, ऐसे में जनता ने उनकी चालों को समझ लिया है। अब न जातिवाद न प्रांतवाद, सिर्फ राष्ट्रवाद को और विकासवाद को मुख्य स्थान देते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को 3/4 बहुमत दिया है, यह काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश विकास को सर करेगा, ऐसा मेरा मत है।